झारखंड में नक्सली संगठनों पर लगाम लगाने के लिए उग्रवादियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। वहीं अब कोयला तस्करों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। आदेश झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने सभी जिलों के एसपी को दिया है। उन्होंने ये आदेश राज्यभर के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में दिया। बैठक में डीजीपी ने सभी रेंज आईजी, जोनल डीआईजी और सभी जिलों के एसपी से उनके क्षेत्राधीन जिलों में वर्तमान नक्सल परिदृश्य और विधि व्यवस्था में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा की, साथ ही उसके निराकरण के लिए बनाई गई ठोस नीति पर कार्य करने का आदेश दिया। उन्होंने नक्सल अभियानों की जानकारी समेत पूर्व से दिए गए एजेंडे पर भी चर्चा की। सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक पलामू, रांची, कोल्हान, हजारीबाग, बोकारो और दुमका के क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर से झारखंड में नक्सल और आपराधिक गतिविधियों तथा उस पर जिला स्तर पर की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। बैठक में सीआईडी एडीजी प्रशांत सिंह, एडीजी मुख्यालय मुरारी लाल मीणा, एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, आईजी अभियान अमोल वी होमकर, आईजी विशेष शाखा प्रभात कुमार, आईजी रांची पंकज कंबोज समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। पुलिस भाकपा माओवादियों के पीएलजीए सप्ताह के दौरान वामपंथी उग्रवाद परिदृश्य की समीक्षा और चल रहे अभियान की समीक्षा डीजीपी ने की। उन्होंने निर्देश दिया कि पीएलजीए के आखिरी 3 दिन में कहीं भी लूज मूवमेंट नहीं करे। साप्ताहिक हाट और पुलिस पिकेट में विशेष सतर्कता के आदेश दिए गए। डीजीपी ने सभी जिलों के सक्रिय उग्रवादियों की चल अचल संपत्तियों की जब्ती के प्रस्तावों की स्थिति की समीक्षा की। वहीं जिलों से फरार नक्सली कमांडरों के खिलाफ इनाम घोषणा के प्रस्तावों की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश जिलों के एसपी को दिया।